अच्छा सुन मिनी मास्टर, तुझे ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ दर्द तो हो रहा है। अच्छा चल ना हाथी जैसे दर्द कम होने का इंजेक्शन ले लेते हैं। अरे नहीं नहीं चाचा जी, अभी और इंजेक्शन नहीं। चल इतना डरता क्यों है, चल दर्द कम हो जाएगा। चल नहीं नहीं नहीं। ओ भीड़े भाई, आप में और नाजिल में कोई फर्क नहीं है। मतलब भीड़े भाई बाहर से थोड़ा कड़क दिखते हैं लेकिन अंदर से एकदम नाजुक है। नाजुक म्हणजे काय दया भाभी, एकदम नाजुक। जेठाबाई से भी नाजुक है ये। ए काय नाजुक है? नहीं नहीं दया भाभी, वैसे तो मैं ऑपरेशन से भी नहीं डरता, लेकिन वो जेठाल को पकड़ने के चक्कर में ना वो गलती से इंजेक्शन लग गया ना, तो शायद लगता है हड्डी में लग गया है, इसलिए दर्द हो रहा है। सॉरी सॉरी भीड़ भाई, टप्पू के पापा की तरह उससे मैं सॉरी। अरे नहीं नहीं दया भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रही है? अब जो होना था वो हो गया। अभी माना कि मेरा हार्ट 2.5 किलो का है, पर मैंने इतने जोर की भी नहीं मारा कि तू ऐसे चिल्ला रहा है यार। बोल। ए सोड़ी, जहाँ पे इंजेक्शन दिया है वहीं पे तुमने मारा, इसलिए दर्द हुआ। इंजेक्शन क्यों, तेनु क्यों हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं भाई, जेठालाल को हुआ। ओहो जेठा ब्रा को हुआ, पर इंजेक्शन तूने ले लिया। ओए इसे कहती है दोस्ती, शाबाश। सबसे पहले वो पोपट लाल ने टेंशन दिया, उसके बाद जेठाल की वजह से इंजेक्शन लगा, और अभी ये भाई साहब दो बार शाबाशी। ये पुपू ने तेनू की टेंशन देता भी? ओ रॉन्ग नंबर कांड, उन्हें रॉन्ग नंबर कांड किया भाई। सॉरी भाई क्या हुआ, सुबह सुबह पोपट भाऊ जी हमारे घर आए थे, तभी इनको मोबाइल पे रॉन्ग नंबर आया। आपकी भतीजी के रिश्ते के लिए आप यहाँ आना चाहते? मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी है और यहाँ पे कोई कुंवारा नहीं रहता। अरे कैसे रहता? हेलो विश्वनाथ अंकल, कैसे हैं आप? नहीं नहीं राहुल नहीं, पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। अरे आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, राहुल को भूल जाएंगे। हेलो हेलो, ओ पिडो, वो ऐसा तो मेरे दोस्त के साथ भी एक बार हुआ था। वो मस्त पार्टी शार्टी कर रहा था, मतलब पार्टी ही कर रहा था, और उसको किसी अनजान बंदे से 2-3 बार फोन आ गया। उसने चौथी बार खुद ही उसको फोन घुमा के ऐसा उल्टा पुल्टा सुनाया कि जब वो पार्टी से निकला तो उन लोगों ने उसको धो डाला। ओए क्योंकि वो आम आदमी नहीं, गुंडे थे। पूरे 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा, और जब हॉस्पिटल से निकल के अपने घर को जा रहा था, वापिस उसको पकड़ के धोया। बस 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 सॉरी, कर लो अभी ऐसा कुछ हुआ तो। अरे सॉरी, अरे भाई तू भिंडी मास्टर को डरा क्यों रहा है भाई? अरे भिंडी मास्टर कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सॉरी सॉरी चाचा जी। ओ पिड़ू, ओ मैं ये पूछना तो भूल ही गया, ओ जेठा ब्रा का क्या टेंशन है भाई? अरे सॉरी भाई, टप्पू के पापा का तो बहुत बड़ा टेंशन हो गया था। कि मतलब? मतलब ये है कि टप्पू के पापा आज का तेरा दिन भारी है, ओए कुछ भी हो सकता है, जरा संभालना। शुभ बोल सोड़ी, क्यों डरा रहे हो भाई? ओहो क्या बात है भाई, क्या बात है, मीटिंग चल रही है, तेरे लिए रिश्ता आया है। ये देखो अभी तक अपनी शादी की पिपुड़ी बजा रहा है। ओ भाई भिड़े, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं अपनी शादी की पिपुड़ी, तुतारी, नासिक ढोल सब बजाता रहूंगा, पर आज तो खास करके बजाऊंगा। क्यों, आज क्या खास है? वे देखिए आज के तूफान एक्सप्रेस में मेरे राशिफल के बारे में क्या लिखा है। ओ पप्पू, तूफान एक्सप्रेस में लिखा है ना, वो ज्यादा ध्यान मत दे। तू क्या हंस रहा है? ओ भाई सोड़ी, तूने तूफान एक्सप्रेस को समझ क्या रखा है? तूफान एक्सप्रेस की खबरें पढ़कर लोगों की दुनिया हिल जाती है, और तूफान एक्सप्रेस में राशिफल लिखने वाले पंडित जी ज्योतिष विद्या के प्रखर ज्ञानी, उनकी भविष्यवाणी लगभग सच्ची होती है। तो पोपट भाई, आज के आपके राशिफल में क्या लिखा है वो जल्दी बताइए ना। दया भाभी, मेरे आज के नहीं हफ्ते के राशिफल में लिखा है कि मेरा बरसों पुराना अधूरा सपना पूरा हो सकता है। अरे वाह, इससे पहले 10 बार ऐसा राशि भविष्य बता चुका है। क्या 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 बोला भेड़ा, क्या बोला? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि आपके शादी का अधूरा सपना लौकरच पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे गुलगुल पता नहीं चला। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ इसमें क्या लिखा है। सुना, इसमें लिखा है आपको अपना सपना पूरा करने के लिए
पागलों की तरह जुनून रखना होगा, जोश रखना होगा। हाँ, और वो तो तुझ में है ही है, हम सबको तो अनुभव भी है, बराबर ना? हाँ, मुझे भरपूर। थैंक यू चाचा जी। आगे सुनिए, पंडित जी कहते हैं आपको अपना सपना पूरा करने के लिए पूरा मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 100% जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। 1% भी इधर उधर जुनून को ढीला छोड़ा तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। ओए पप्पू, और तेरी शादी के सपने को पूरा करने के लिए वैसे ही तू एक तूफान है। हाँ, और अब तो राशि भविष्य में लिख के आया ना, तो अब ये महातूफान बनेगा। और पोपट भौजी, आपको हम सब की तरफ से शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शादी का सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, सब अच्छा हो जाएगा पोपट भाई। थैंक यू देव भाभी। भगवान करे तेरी शादी का सपना पूरा करने का तुझे जल्दी मौका मिले। थैंक यू चाचा जी, अब बस ये देखना है कि मौका कब मिलता है। अरे पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे जीवन में मौका तो मोबाइल फोन का रिंग की तरह अचानक कभी भी बज सकता है, मतलब आ सकता है। सत्य। उचला फोन। अरे हाँ, मेरा ही फोन बज रहा है ना। फिलहाल तो मेरे मौके की रिंग बजी है पोपट लाल। वो तेरी पिडू, तू दूसरी शादी करने की सोच रहा है? एक शिक्षक होके ऐसी सोच? अरे खबरदार भिड़े, मेरी शादी के पहले तूने दूसरी शादी के बारे में सोचा है तो? हाँ, पहले हम कुंवारों का तो मौका लगने दो। अरे क्या बोल रहे हैं आप लोग। अरे भाई, मैं तो अपने आचरण बोर्ड के कस्टमर या तो नए स्टूडेंट के मौके की बात कर रहा था। तो हम भी तो मजाक कर रहे हैं यार। अरे मजाक कर रहे हैं सब लोग। लगता है किसी कस्टमर का ही फोन होगा। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। पिडू एक काम कर, स्पीकर पर कर, शायद तब सुनाई दे। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कावेरी। कुंवारी? ये अपने आप को कुंवारी कह रही है? ओ, मैंनु लगता है इसके भी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसीलिए ये पोपू के जैसे शादी करने को बहुत बेताब है और इसीलिए अपने आप को कुंवारी कह रही है। सॉरी भाई भिड़े, ये तेरे लिए नहीं, मेरे लिए मौका है, मेरे लिए कॉल है। अकबर पकड़। हेलो कुंवारी जी। हाँ हेलो, मैं, अगर आप कुंवारी है तो मैं कुंवारा हूँ। भाई तू पागल हो गया, मुझे बात करने दो। मुझे लगता है कि आप बहरे हो गए हो। मैंने कुंवारी नहीं कावेरी कहा, कावेरी। मेरा राशि भविष्य सच होने जा रहा है और तू मुझे बात नहीं करने दे रहा। पोपटलाल मेरी बात सुनो। मैं क्या तेरी बात सुनूं? वो कुंवारी है, मैं कुंवारा हूँ, मैं उसकी बात सुनूं कि तेरी बात सुनूं? तू शांति रख। पड़ा मुझे बात कर, बीच में मत आना, बीच में मत आना, बीच में मत आना, बीच में मत आना, बीच में मत आना। हेलो 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 हेलो, बीच में मत आना। सॉरी सॉरी, भिड़े को पकड़, भिड़े को पकड़। और अरे सॉरी, क्या बच्चों की तरह कर रहा है? हेलो नहीं पिडू, देख पप्पू ने मुझे पहले बोला, इसलिए मैं तनु नहीं छोटा। तू समझ नहीं रहा है सोड़ी, आचर बोर्ड के कस्टमर का फोन होगा। हेलो हेलो हेलो, और ये कुछ उल्टा सीधा बक देगा ना तो हमारा नाम बदनाम होगा भाई। और बोला ना पिडू, नहीं मेरा इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन। नहीं पिडू चल। हां यार, थोड़ा डिस्टरबेंस है। नहीं चला की नहीं। अरे चाचा जी, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। सॉरी चाचा जी। सोड़ी नहीं छोड़ेगा तुम्हें, रोशन भाभी की कसम। हेलो, नंबर तो मैंने भिड़े भाई का लगाया था, पता नहीं ये भिड़े भाई पागल की तरह क्यों बात कर रहे थे। पोपट बका सर 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 झाडावर चढला। वाह वाह पोपू वाह, क्या वाह भाई, क्या वाह, क्या वाह, क्या। अरे वो गिर जाएगा यार, डिब्बे नीचे उतर गिर जाएगा तू। आ पोपट भौजी खाली आ। पोपट लाल, मेरा फोन नीचे गिर गया ना तो टूट जाएगा, मेरा फोन वापस दे दो। ए भिंडी मास्टर, तुझे तेरे फोन की पड़ी है। अरे वो गिर गया तो एक डिब्बे उतर। अरे आप लोग थोड़ी शांति रखिए। हेलो हेलो हेलो, कट गया। देखा देखा भिड़ा, तेरी वजह से फोन कट गया। कट गया ना। तो भी फोन वापस दे दो। मेरा मतलब है नीचे उतरो और फोन वापस दे दो। नीचे उतर, नीचे उतर। पोपट भौजी ये नीचे उतरी है। नहीं
ए, क्या कर रहे हो पोपटलाल? दोबारा उसी नंबर पर फोन लगा रहा हूँ। अबो बैलेंस है ना? पोपटलाल पहले अपना बैलेंस संभाल लो। चाचा जी आप बोलो ना उसे। अरे क्या बोलूं, कितना बोलूं, वो मान ही नहीं रहे। थोड़ी तुम कुछ बोलो भाई। हाँ फिरू बोलता हूँ। मैंने गलत ससुर करके ऊपर चढ़ कैसे गया यार? यहाँ तो सड़क लाया जोन। हेलो हेलो कुमारी जी। क्या वो? सॉरी है थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। वैसे मायसेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, और सबसे अहम बात मैं भी आपकी तरह कुंवारा हूँ। क्या? अरे वाह कितनी मीठी आवाज है आपकी। ए पोपटलाल याद है ना मेरा राशिफल? जुनून जुनून। हेलो हेलो। ओ ये जुनून की वजह से ऊपर चढ़ा पिड़ो। अब समझ में आ गया। अरे लेकिन यहाँ पे इंजेक्शन लगाइए, कब समझ में आएगा? अरे सॉरी 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 डॉक्टर तो यहाँ वर्ड में कट्टी रहा मारो। तू इधर इधर ही खड़ा है, इधर ही रहिए। अरे क्या कर रहा है सॉरी तू? सॉरी सॉरी चाचा जी। कुमारी जी वैसे क्या नाम बताया आपने अपना? लगता है कि कोई दिव्य आशिक है। पता नहीं किस खानदान से हूँ मैं। फूल? वाह कितना नाजुक और प्यारा नाम है। फूल? फूल? ओहो अच्छा नाम है। जितना प्यारा नाम है उतनी मुलायम आपकी आवाज है। मुझे 200% यकीन है कि आप फूल जितनी खूबसूरत होंगी। मिस फूल आपको बिना देखे मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार। मैं कौन हूँ पता है तुम्हें? और मैं जानना भी नहीं चाहता। मेरे लिए आपकी सिर्फ ये खूबी काफी है कि आप कुंवारी है। ए मिस्टर। कहिए मिस। आप इस मिस्टर की मिसेस बनने के लिए तैयार है? मेरे पति? क्या? अरे सुना गांव वालों, अरे गोकुलधाम वालों सुना, फूल जी ने क्या कहा? क्या कहा? मिस फूल ने मुझे पति कहा। पति? डायरेक्ट पति? कैसे शक्य है? शक्य है शक्य। अरे अरे अभी जमाना बदल गया है ना, फासम फास हो गया है। अरे मैंने तुम्हें मेरा पति नहीं कहा, मैंने कहा कि मेरे पति आएंगे फिर तुम्हारी खैर नहीं। अरे मुझे बधाई दो, मेरा रिश्ता तय हो गया, मेरी शादी होने वाली है। ओ मुबारका भी मुबारका, बताइए बताइए। अरे ओ बेवकूफ इंसान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन। देखा सोड़ी देखा, मैंने कहा था ना तूफान एक्सप्रेस का कमाल। मैंने राशि फल पर यकीन किया और अपना सपना पूरा करने के लिए जुनून रखा तो मेरा रिश्ता तय हो गया। कहूँ इसको? कांग्रेचुलेशन पप्पू यारा। हाँ अभिनंदन। सगळं विचित्र आहे पुढे। हाँ हाँ थोडा फेमी लग रहा है पर सब अच्छा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई लड़की किसी को बिना देखे बिना जाने शादी के लिए हाँ कैसे बोल सकती है। पेस्टर। मुझे लगता था ये पूरी दुनिया में ये अकेले डिब्बा ही भाव रहा है, लेकिन और भी है। हेलो मिस फूल। सॉरी सॉरी, वो इतनी बड़ी खुशखबरी की बात मैं अपने गोकुलधाम वालों को बता रहा था। सुनिए। ओहो अभी से पत्नी वाला टोन। वैसे आप मुझे प्यार से पोपू कह के बुला सकती है। ये तो गलत बात है यार, और मैं तुझे इतने प्यार से पप्पू बुलाता हूँ तो फिर मैं क्यों बुलाऊंगा यार? बोल तो। हाँ सही है सही है सही है। सुनिए आप मुझे पप्पू कह के मत बुलाइएगा, वो मेरा एक दोस्त है सोडी, वो मुझे बुलाता है। आप मुझे प्यार से पॉप्स कह सकती हैं। पॉप्स? पोपट भाव जी ये थोड़ा पापा जैसा नहीं लगेगा? हाँ नहीं 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 पॉप्स भी कैंसल। हाँ आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे अच्छे सुनते हैं बस इस नाम से बुलाइए। क्या कहूँ मिस को? नहीं नहीं कंफ्यूज मत होइए, आपको जिस नाम से मुझे बुलाना बुलाइए, अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं आए ना तो शादी के बाद मैं नाम बदल दूंगा। वैसे तो शादी के बाद लड़कियों के नाम बदलते हैं, यहाँ तो लड़के का नाम बदलेगा। सच में जमाना बदल गया है। और वैसे भी कुछ सालों के बाद तो आपको मुझे चिंटू बिट्टू और गुड्डी के पापा कह के बुलाना पड़ेगा।
त्याला झाडावर बसून पोरं पण झाली. चिंटू बिट्टू गुड्डी. वा पिडू वा मुबारक. हम लोग चाचा बन गए यार. ओ तेरी तीन ट्यूशन कन्फर्म हो गई. तो काय तो कोणाचं काय. वा वा अभिनंदन. बोलो श्री अम्मे वाचकी. सुनिए मिस फूल, मैं वो गोरेगांव की पाउडर गली की गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ. मेरा अपना खुद का फ्लैट है, वो टू बेडरूम हॉल किचन. सॉरी मेरा नहीं हमारा. हेलो हेलो हेलो. कट हो गया फोन. शर्मा रही है. इसको कैसे पता चला. मुझे पता है आप शर्मा रही है. शर्मा शर्मा ये कोई बात नहीं है. मैं क्या कह रहा था, हम आज ही मिलते हैं ना रेस्टोरेंट में फेस टू फेस. नहीं रेस्टोरेंट में नहीं मिलना तो कोई बात नहीं, गार्डन में मिलते हैं. खुली जगह में खुले मन से दिल की बातें करेंगे. एक बार मिलेंगे तो अच्छा है ना. बताइए कब कहाँ और कितने बजे मिलना है. चुप चुप चुप, वरना आज तो तू गया काम से. कब से शादी 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 कर रहा है बेवकूफ इंसान. मेरी बात ही नहीं सुन रहा है. अरे मैं शादी शुदा हूँ. क्या क्या क्या. हेलो आप सच में शादीशुदा हैं. हाँ 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 मैं शादीशुदा हूँ. पोपट भाई आप जरा फोन पिकर पर रखेंगे तो हमें भी पता चले कि फूल बहन क्या कह रहे हैं. लेकिन आपने तो कहा था कि आप कुंवारी हैं. कुंवारी तुमने सुना था. मैंने कहा था कि मेरा नाम कावेरी है. कावेरी लेकिन आपने अपना नाम मिस फूल बताया था. अरे मैंने तुमको फूल कहा था. बेवकूफ वाला फूल. अरे एफ डबल ओएल फूल कहा था. अरे आपने मुझे मेरे पति ऐसे कह के बुलाया नहीं. मन करता है कि वहाँ पर आकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूं. तुमने मुझे पूरा बोलने ही नहीं दिया. मैंने तुम्हें पति नहीं कहा था. मैंने कहा था कि मेरे पति आएंगे फिर तुम्हारी बैंड बजा देंगे. मेरा पति पहलवान है. पहलवान. लॉगली आने दो मेरे पति को. जब वो आएंगे ना फिर तुम्हारी बदतमीजी की बात करते हुए पैरेट रेड. लीजिए पोपट लाल ने दिवाली के पहले ही अपने हाथ में बम जला लिया. और ये बम ऐसा वैसा नहीं है, ये बम है पहलवान बम. और साथ में भिड़े और गोकुलधाम निवासी. अब सोचिए पहलवान बम फटेगा तो क्या होगा. भाई इसे पोपट लाल की गलत फहमी कहिए या नादानी कहिए, लेकिन पोपट लाल ने तो कर दिया. राशि फल के जुनून में पोपट लाल ने जो पहलवान की पत्नी कावेरी से कुंवारी समझ के जो बातें की है, जो फिल्मी डायलॉग्स बोल रहे हैं, उनकी वजह से कहीं यहाँ फिल्मी एक्शन ना हो जाए गोकुलधाम में. सोचिए तो ये जो कावेरी जी हैं, जो पहलवान की पत्नी है, अपने पहलवान पति को जब पोपटलाल की करतूत बताएंगी तब क्या होगा. क्या क्या होगा यहाँ गोकुलधाम में और क्या होगा पोपटलाल का गोकुलधाम निवासियों का, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा. और हाँ इस शनिवार भी रात 8:30 बजे हम लेके आ रहे हैं आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक विशेष एपिसोड. हम नहीं चाहते कि शनिवार भी आप वंचित रहें हंसी और ठहाकों से. तो आपके लिए इस शनिवार भी देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. और सोचिए यहाँ क्या होगा पोपट लाल का और क्या करेंगे पहलवान पति. देखते रहिए हंसते रहिए. ए जी रे ये फोन मेरे फोन से वो फोन कर रहा है. ए भाई देखिए कावेरी बहन जी पोपट लाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ. प्लीज ये जो हुआ ना वो गलत फहमी से हुआ. आप प्लीज इसे सीरियसली मत लीजिए. प्लीज आप कौन बोल रहे हो. मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी. मैंने आप ही को फोन किया था. आपने उस बेवकूफ को फोन क्यों दिया. नहीं नहीं मैंने दिया नहीं. वो उसने आपका नाम कावेरी की जगह कुंवारी सुना और छीन लिया मेरे हाथ से. वैसे आपने मुझे फोन क्यों किया था. अरे मेरी फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया था. कहा था कि भिड़े भाई की पत्नी अचार पापड़ बहुत अच्छे बनाती है तो आपको ऑर्डर देने के लिए मैंने फोन किया था. बिल्लू मास्टर
अचार पापड़ की बात कर, ये डिब्बे की बात पे से ध्यान हट जाएगा। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मेरी माधवी अचार पापड़ का बिजनेस करती है, बहुत ही अच्छे अचार पापड़ बनाती है। ये वो यहीं पे है माधवी। नमस्ते। नमस्ते कावेरी जी, मैं माधवी, मैं ही अचार पापड़ बनाती हूँ। बताइए कितने किलो का ऑर्डर देना है? अब मुझे कोई ऑर्डर नहीं लिखवाना है। और हाँ, आप मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इस पत्रकार के मुंह पर हमेशा के लिए टेप लगा दीजिए, समझे? हेलो कावेरी, आने दो कुंदन को, आज इस पत्रकार की ऐसी खबर लूंगी, ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर कभी कोई खबर नहीं लिख पाएगा। पोपटलाल। हाँ भिड़े। हाँ भिड़े, देखा कैसे बोल रहा है। हाँ भिड़े, तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई, मिल गई तुम्हें शांति हमारा नुकसान करके, तुम्हारी वजह से हमारा कस्टमर चला गया। नहीं मोबाइल नहीं मिलेगा। नहीं सॉरी सॉरी बोल रहा हूँ भिड़े। वाह वाह वाह, सॉरी बोल दिया, मतलब सॉरी बोलने से बात खत्म हो जाएगी? जानता हूँ भाई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे डांटने से भी बात तो नहीं बदल जाएगी ना। अरे पप्पू, तुझे कहा था ना तूफान एक्सप्रेस का राशिफल ध्यान मत दे, तूने तो फोन पे रिश्ता तय करके शादी भी कर ली और साथ में बच्चों के नाम भी रख लिए, चिंटू बिट्टू गड्डी। गड्डी नहीं, गुड्डी गुड्डी। ओ पिड़ू, एक ही गल है यार, तूने माधवी भाभी का नुकसान तो कराया, साथ में पिड़ू का भी नुकसान करा दिया यार। मेरा कौन सा नुकसान? ओ पिड़ू, वो तीन बच्चे ट्यूशन के कन्फर्म हुए थे ना। वैसे वैसे अच्छा हुआ वो बहन ने फोन पर ही गुस्सा करके फोन काट दिया, वरना पता नहीं क्या होता। सॉरी सॉरी, मैं कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करता। दरअसल वो राशिफल में लिखा था ना कि वो सपना पूरा करने के लिए पागलों की तरह जुनून रखना होगा, इसलिए मैं वो पेड़ पे चढ़ गया और थोड़ा सा बह गया। बराबर बराबर, इसमें बेचारे पोपट भाई की खरेखर कोने तो कोई गलती नहीं है। हाँ रे भाभी, गलती तो मेरी है ना, क्योंकि मैंने मोबाइल रखा अपने पास। अरे चलो भाई, इस बात को अभी यहीं खत्म करो और सब लोग अपने अपने घर जाओ। और हाँ डिब्बे, अभी दोबारा ऐसी गलती मत करना कभी। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चल, अरे ये सुधरने वाला नहीं है यार। चल पिड़ू, मैं चलता हूँ। भाई भाई बाय कर रहा हूँ यार, तू भी ना। सॉरी पिड़ू, सॉरी माधवी, अभी गलती से लग गया, सॉरी। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात लग लेना। अरे इतने स्मार्ट तो बगात पसून। आज का दिन ना बंबर जैसा भारी है। पहले जेठालाल ने टेंशन दिया, फिर पोपटलाल ने टेंशन दिया, और अभी ये भाई साहब दो तीन बार एक ही जगह मार के चले गए जहाँ इंजेक्शन लगा था। आओ अभी सब भूल जाइए, बैंक जाना था ना आपको। अरे हाँ जाइए, बैंक जाइए आप। हाँ लेकिन उसके लिए चेक्स और फाइल लेनी पड़ेगी घर पे। माधवी सबसे पहले मुझे गर्मा गर्म चाय पिलाना। आहो, कावेरी के पति आपके साथ कुश्ती लड़ने आ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें फोन आया था? नहीं नहीं, आपके चेहरे पे 12 बजे है ना, तो मुझे लगा कि कुश्ती लड़ने आ रहे हैं। माधवी आज के दिन मुझे माफ कर दो। जेठालाल और पोपटलाल ने मुझे जो टेंशन दिया है उसके बाद आज के दिन का मस्ती करने का कोटा खत्म होता है। अभी मस्ती नहीं। ठीक है फिर कल। गणपति बप्पा, आज का बचा हुआ दिन शांति से बीत जाए। रात को बाल्टी में ना गंगा जल डाल के नहाऊंगा। कितना सर पे बोझ लेके घूम रहे हैं आप, क्यों इतना टेंशन ले रहे? बी पॉजिटिव, चिल डूड। क्या बोल ली? चिल डूड। क्या ये आज के जमाने की भाषा है? आपको नहीं समझेगी। इसका मतलब है क्या मतलब है? कर, मैं भी आज के जमाने में ही जी रहा हूँ। मला माहित आहे चिल डूड म्हणजे काय। माधवी, ये तो उसी नंबर से फोन आ रहा है जिस नंबर से कावेरी जी का फोन आया था। तो उठाइए फोन। अरे क्या उठाइए, डांटने के लिए फोन किया होगा फिर से। क्यों डांटेंगे? पर जितना डांटना था उतना डांट चुके, गुस्सा शांत हो गया होगा इसलिए अचार पापड़ का ऑर्डर देने के लिए फोन किया होगा उन्होंने। फोन उठाइए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने अपने वो पहलवान पति को बोल दिया हो और उसने डांटने के लिए फोन किया हो। हाँ तो ठीक है ना, आप क्यों डर रहे हैं? आपने थोड़ी शादी की बात की थी, फोन उठाइए। हाँ बराबर है, मैंने थोड़ी शादी की बात की थी, वो तो पोपटलाल ने की थी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ,
और मेरी शादी तो हो चुकी है। का एकटे बड़बड़ता है, फोन उचला। हेलो। हाँ कावेरी जी बोलिए। बोलिए सर जी, मैं आत्मा तुकार बोल रहा हूँ। हाँ वो तो घर पे ही होगा ना। क्यों ले? ओ हेलो, नहीं नहीं मेरी बात सुन। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो, ये कावेरी का पहला पति बोल रहा था। उसने मुझसे पूछा कि पोपटलाल घर पे है। मैंने बोला हाँ घर पे ही होगा, तो उसने बोला कि उसको घर पे ही रोक के रखो, हम लोग आ रहे हैं। भाई कहा? अरे कहा का है, उसकी बारात निकलने आ रहे होंगे। लेकिन कावेरी तो कुंवारी नहीं है ना। अरे कठिन है भाई। अरे बारात निकालने मतलब उसको पीटने आ रहे होंगे, पहलवान है ना वो। ये खुद तो पीटेगा, मुझे भी पिटवाएगा। उसकी अभी खबर लेता हूँ मैं। बापे कठिन भी। चप्पल कौन घालणार? मी घातले। अरे मी कपाले भाई, चप्पल न घालता चला चल। ये भी हमार पोपटलाल। ए पोपटलाल माधवी, मुझे मत बोलना कि शांति रखो, क्योंकि यहाँ पे अभी शांति नहीं क्रांति होने वाली है। तुम्हें जरा भी अंदाजा यहाँ पे क्या भयानक नजारा होने वाला है? मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं इतना ही कह रही हूँ कि रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके साथ, इतना ही। क्या पोपटलाल? क्या हुआ माधवी भाभी? एक मिनट सुनीता। भीड़े भाई आप इतने गुस्से में क्यों है? सुनीता माधवी ने बोला ना एक मिनट, जरा रुको पता चल जाएगा। ए पोपटलाल। पोपट भाऊ जी। भीड़े भाई क्या हुआ? पोपट भाई ने क्या किया? अरे क्या नहीं किया ये पूछो। क्या नहीं किया? सबने डिसाइड किया है कि मेरे दिमाग का दही करना ही है यार। पोपटलाल बाहर आओ। पोपट भौजी। ओए पोपटलाल। अरे क्या हुआ होगा हंस? मुझे क्या पता, चलो देखते हैं। पोपटलाल क्या हुआ मेरे भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सिर्फ परेशान नहीं हूँ बबीता जी, गुस्सा भी आ रहा है मुझे। अरे ए बिल्ली मास्टर, क्या हुआ के? अब वो डिब्बे ने क्या नया रखा किया है? नहीं नहीं नया नहीं है चाचा जी। तो भीड़े भाई वो पुरानी फोन वाली बात को लेकर फिर से गुस्सा आ रहा है। पोपटलाल। भीड़े मास्टर, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हाँ भीड़े भाई, आप एक शिक्षक और सेक्रेटरी के साथ साथ समझदार इंसान भी हैं। कोमल भाभी देखिए भीड़े भाई, आप समझदारी से काम लीजिए, आप पहले गुस्सा शांत कर दीजिए। अंजलि भाभी मैं तो गुस्सा शांत कर लूंगा, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में जो तूफान आने वाला है उसे कौन शांत करेगा? तूफान? तूफान आने वाला है? कमल है, ये मौसम विभाग ने तो कोई चेतावनी ही नहीं दी। और अगर तूफान आने भी वाला है तो उसपे पोपट भाई की क्या गलती? वो तो सिर्फ तूफान एक्सप्रेस में काम करती है। अरे हाँ। अरे पोपटलाल बाहर आओ। अरे भाई बड़े मास्टर, तुम कब से चिल्ला रहे हो? एक बार कंफर्म तो कर लो पोपटलाल घर पे है कि नहीं। अरे हाँ हाँ। आप फोन भी कर सकते हैं। हाँ हो। अरे हो। अगर पोपटलाल घर पे नहीं होगा ना तो कावेरी का पति आके मेरा गला पकड़ेगा। हाँ? क्या हुआ भाई भिड़े, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पोपटलाल तुम नीचे आओ, तुम्हारी शामत आई है। शामत क्यों? अरे डिब्बे, ये भिंडी मास्टर कह रहा है तो कुछ तो बात होगी ना। अरे भिंडी मास्टर तू जरा शांति से बात कर। चाचा जी नीचे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पता है बाद में कुछ दम नहीं होगा, खामखा चिल्ला रहा। तू पहले नीचे तो आ। तुम नीचे आओ पोपटलाल, पता चलेगा कि मैं खामखा चिल्ला रहा हूँ कि नहीं। आता हूँ। अभी नीचे आ जाइए प्लीज। हाँ हाँ हाँ। आजा आजा। सब ठीक है ना? बता दो बता दो, उसे तो आने दो मेन पोपटलाल को। क्या हुआ भाई भिड़े, क्या हुआ? मैंने एक बार तुझे सॉरी बोल तो दिया, अब क्या प्रॉब्लम है? पोपटलाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तुम हो। तुम थोड़ा शांति। मैंने बोला मैं शांति से बात नहीं करूंगा, और तुम्हें पता है ना कि क्या हुआ है? वो कावेरी उसका पति यहाँ पे आने वाले है। कावेरी? कौन कावेरी? भीड़े बहन, अभी थोड़ी देर पहले जिसका फोन आया था वही कावेरी बहन। वो ना दया भाभी, वही कावेरी, और उसी के पति का फोन आया था। मतलब ये आग अभी तक बुझी नहीं? नहीं नहीं चाचा जी, बुझी नहीं है, उल्टा और भड़क गई है। वो कावेरी का पति बहुत गुस्से में है और यहाँ पे आ रहा है। अरे भाई क्या बोल रहा है तू भिड़े, बोलो यहाँ पर क्यों आ रहा है? वो कुमारी जी मेरा मतलब है वो कावेरी जी से सेटलमेंट हो गया था ना, फिर उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। भिड़े भाई पहले ये तो बताइए, ये कावेरी है कौन? हाँ, और उसका पति कौन है? हाँ हाँ भाई बताओ क्या है। मैं बताती हूँ वो क्या हुआ कि
बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। अरे बुढ़पा, कैसे थोड़ी किसी की पत्नी से शादी की बात कर सकते हैं? किसी के साथ ये बात करने से पहले दो बार सोच के बोलना चाहिए ना। पोपटलाल, राशि फल का ज्ञान न तुम्हें है न तुम्हारे तूफान एक्सप्रेस वाले पंडित जी को। अब राशि फल के चक्कर में कर्म का फल मिलेगा। अरे पर कावेरी जी से माफी मांग तो ली भिड़े ने। अरे मेरे माफी मांगने से क्या होता है पोपटलाल, तुमने माफी कहाँ मांगी थी? और वैसे भी कावेरी का पति तुम्हें माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। और उसका मुझे फोन आया था, उसने बोला कि पोपटलाल को रोक के रखना, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग मतलब कितने लोग आएंगे? और कावेरी बनके पति देव तो पहलवान है। ओ गॉड, पोपट भाई आपने ये कैसे मुसीबत मोड़ ली? आज तो बहु मट्टू रामखान थाई जैसे। हाँ ये खुद तो मार खाएगा ही, साथ में मेरा भी नंबर लगवाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल मार नहीं खाऊंगा। उन पहलवानों ने मुझे मार मार के मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, तो मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। भिड़े की तो फिर भी शादी हो गई है। तो? पोपट भौजी, इनकी शादी हुई है तो क्या हुआ? इनको थोड़ी मार खाने दे सकते है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब अब क्या करें? देखो जितना हो सकेगा उतना हम लोग मामला संभालने की कोशिश करेंगे। भिड़े भाई, पोपट भाई, मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड? मैं क्या क्रिमिनल हूँ? तो क्या मैं क्रिमिनल हूँ? मतलब यहाँ से भाग जाओ। अरे लेकिन क्यों भागूं? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप लोग दोनों छुप जाओ। अरे लेकिन मैं क्यों छुपूं? अरे भाई तेरे फोन से फोन किया था ना, तुम बोल रहे थे ना आगे तुम्हें भी पिटेंगे। अरे पोपट भाई, आप तो कब तक भागते फिरोगे? हाँ, और भाग के यहाँ वापस गोकुल धाम तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ, और मेरी माँ हमेशा कहती है मुसीबत से भागना समस्या का समाधान नहीं होता, हमें मजबूत होके समस्या का सामना करना चाहिए। एक काम करते, पुलिस को बुलाते। अरे अब्दुल, हमें पोपटलाल को फंसाना नहीं है, बचाना है। लेकिन हाथी भाई, पुलिस के आने से पोपट भाई कैसे फंस सकते है? बाबा रोशन भाभी, अगर कावेरी जी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि पोपटलाल ने उनसे शादी की बात करके उन्हें छेड़ने की कोशिश की है, तो पोपटलाल पे तो केस होगा ही, भेड़े मास्टर भी फंस सकता है। बराबर है बाबा अब्दुल, भाई तेरा ये आइडिया कैंसल कैंसल। अरे ओके, ये तो शिक्षक है, लोग इनकी इज्जत करते हैं, अगर ऐसे वैसे केस में फंस गए तो क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? ऑफ कोर्स माधुरी भाभी, समाज में पत्रकारों की भी बहुत इज्जत होती है। हाँ, बरोबर है, मतलब आप दोनों पर केस नहीं होना चाहिए। अरे किसी भी इज्जतदार बेकसूर पे केस नहीं होना चाहिए। कभी नहीं। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। डिब्बे, तुझे ये सब करने से पहले सोचना नहीं है ना? सॉरी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग इनके ऊपर केस नहीं करेंगे, सीधा हमला करेंगे। और इसलिए हम लोगों को गेहूं का आटा, झाड़ू, बेलन और टमाटर ये सब लेकर तैयार रहना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पोपट भाई और भिड़े भाई को हम बचाएंगे ही बचाएंगे। थैंक यू दया भाभी। नहीं नहीं दया भाभी, आप लेडीज लोग इस मामले से दूर ही रहिएगा, अगर आप लोगों के ऊपर केस हो गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। बरोबर है दया भाभी, ते बेलन झाड़ू खड़े रहो दे, प्लीज प्लीज आप इसमें मत पड़ना, हम लोग संभाल लेंगे। देखा डिब्बे, देखा तेरी नादानी का परिणाम, देखा तूने? ठीक है, आप लोग सब घर जाइए, आप में से किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं अकेले मार खा लूंगा, जाइए जाइए जाइए। अच्छा ठीक है भाई, चलो चलो सब लोग चलो। चाचा जी। क्या चाचा जी, नाटक क्या कर रहे हो? अभी ज्यादा नादानी मत कर, हम सब लोग हैं तेरे साथ। हाँ हाँ, हम सब एक है, अगर पहलवान हमें 10 मारेंगे तो हम एक तो मारेंगे ना। अब्दुल भाई प्लीज, हाँ वो पहलवान है, उसे 10 मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 2 लगाएगा ना तो हम ढेर हो जाएंगे। हाँ वो भी है, तो अब क्या करें? मैं एक बात बोलूं, मेरे ननद के देवर का साला ना गुंडा है, पिछले हफ्ते जेल से छूट के आया है, उसकी तो 15-20 पंटर की गैंग भी है, उसे बुलाओ। हाँ बुला लीजिए बुला लीजिए। अरे अरे क्या बुला लीजिए, क्या बुला लीजिए, तेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है, चुप बैठ, हम लोग गुंडों की मदद लेंगे। ए सुनीता, तुम सबको सब्जी दो, सोल्यूशन मत दो। हाँ
हमें गुंडों की मदद नहीं लेनी। गुंडे तो नहीं पर किसी पावरफुल और इज्जतदार आदमी की मदद लेनी चाहिए जो इस पहलवान को समझा सके और कंट्रोल कर सके। अरे है ना, ऐसा इंसान अपनी सोसाइटी में ही है। चूर आमच्याकडे सरदार है, आम्हाला काय कुणाची भीती है? म्हणजे अरे सरदार जी, अरे सोड़ी है ना, सोड़ी रोशन, सोड़ी की पर्सनैलिटी और जोश देखकर वो लोग डर जाएंगे, मतलब डायरेक्ट लड़ेंगे नहीं हमसे। बराबर है, बराबर है, सोड़ी भाई ना बोलवा। हाँ बराबर है भाई, सोड़ी को बुला लो। वैसे भी वो पहलवान तो पीटे गए, लेकिन ऐसे प्रसंग में सोड़ी को नहीं बुलाया तो वो दो चार लगाएगा, वो अलग। हाँ उसे इनविटेशन दे दो, मैं सोड़ी को फोन करता हूँ। अरे हांटी भाई, मैंने रोशन को पहले ही मैसेज कर दिया है, वो बस आता ही होगा। वेरी गुड, बराबर है भाई, सोड़ी आ रहा है ना, उतना बहुत है। ओए पप्पू तू डर मत, तेरा दोस्त रोशन सिंह सोडी आ गया है। ओए आने दे जिसको आना और जितने लोगों को लेके आना है। ओए अगर तेरे को किसी ने छू भी लिया और मैं उनको इस हॉकी स्टिक से मार मार के ओए गेट के बाहर गोल कर दूंगा। हमने सोडी भाई को बुलाना ही नहीं चाहिए था। आने दो उनको। अगर सोडी भाई ऐसे ही जोश में रहे तो यहाँ पे 100% युद्ध होगा। सोडी भाई देखिए, आपको ना डिफेंड करने के लिए बुलाया है, अटैक करने के लिए नहीं। हाँ हाँ रोशन, इसलिए आप शांत हो जाइए। सही बात है। ओए अंजलि भाभी, ओए कोई अगर हम पे अटैक करेगा तो हम लोग चुप बैठने में से नहीं है। ओए उन पे ऐसा हमला कर देंगे कि आज के बाद वो कभी किसी पे हम ना करने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, अरे शांत हो जा सोड़ी, देख मेरी बात सुन, हमें हमला नहीं करना है। हाँ। ये तो क्या है ना कि हम सब साथ में रहेंगे, थोड़ा जोश रखेंगे तो हो सकता है सामने वालों का जोश थोड़ा कम हो जाए। है? मैं तो कहता हूँ कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये झगड़ा और हाथापाई की नौबत ही ना आए। सही बात है। कुंवारे पोपटलाल ने कावेरी की जगह कुंवारी सुन लिया और इसी बात से बात का बतंगड़ हो गया है, राई का पहाड़ बन गया है। अब कावेरी का पहलवान पति आ रहा है गोकुल धाम में और कावेरी ने कहा है कि हम लोग आ रहे हैं। मतलब गोकुल धाम में तो किसी को ये भी नहीं पता कि कितने लोग आ रहे हैं। कहीं पहलवान के अखाड़े के सारे पहलवान नहीं आ रहे हो? अगर वो लोग आ गए तो गोकुल धाम कहीं अखाड़ा ना बन जाए और भिड़े और पोपट के सिवाय कहीं किसी और को भी धोबी पछाड़ न खानी पड़े। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से भिड़े और पोपटलाल के हाथों से तोते उड़ते हैं। लेकिन आपके घरों में होगी हंसी की कुश्ती जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, दिवाली का सीजन है तो बोनस तो होना ही चाहिए, इसलिए आपके लिए हास्य का बोनस लेके आ रहे हैं हम शनिवार की रात भी 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे शनिवार की रात तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक विशेष एपिसोड। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या करेगा कावेरी का पहलवान पति, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। ओए सोनिया, मैं तो शांति से ही जीना चाहता हूँ, पर किसी ने अगर पोपू पे अटैक किया ना तो मैं शांत नहीं रहूंगा। वैसे बापूजी ने अभी बराबर कहा, हर समस्या का समाधान शांति से हो, ऐसा कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है, जरा सोचना पड़ता है। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि मैं और पोपटलाल उनसे दोबारा माफी मांग लेंगे। हाँ। क्यों पोपटलाल? अरे भाई दोबारा क्या, 3-4 बार माफी मांग लेंगे। लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया तो? अरे भाई अब्दुल तो उनकी टीम में है क्या हमारी टीम में? नहीं मतलब मैं तो बताया ऐसे ही। पोपटलाल अब्दुल बिल्कुल सही कह रहा है, पहलवान गरम दिमाग के होते हैं, अगर उसने माफ नहीं किया तो? तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो आग लगी है वो शांति से बुझ भी जाए और कोई हंगामा भी ना हो। सही बात है। क्या हम लक्ष्मी जी की मदद ले सकते हैं? या कौन? कुंवारी है? ये पप्पू तो चुप कर, चुप कर। पोपट भाई आप पहले जरा पूरी बात सुन लीजिए। हाँ प्लीज प्लीज। लक्ष्मी जी मतलब पैसे की मदद से कुछ करे तो? मतलब क्या है, अहमदाबाद में हमारी पोल में जब भी झगड़ा होता है ना तो सब लोग सुंदर वीरा को ही बुलाते हैं।
जिसका कसूर है उसको सुंदर हीरा कहता है कि भाई तू सामने वाली पार्टी को, मतलब जो निर्दोष है जिसका कसूर नहीं है उसको थोड़े पैसे दे के मंडौली कर दे, और वो मान जाते हैं और फिर झगड़ा शांत हो जाता है। तो हम ऐसा कुछ करे तो? नहीं 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 भाभी, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसे पैसे देकर मानने वालों में से है। अरे वो लोग कभी भी आ सकते हैं, अब जल्दी से सोचोगे डिब्बे को कैसे बचाएं? मुझे भी चाचा जी। हाँ तुझे भी भाई। डिब्बे तुझे ऐसी बेवकूफी करने की जरूरत क्या थी? हाँ पप्पू, तो ऐसी बेवकूफी तूने दोबारा की ना तो मैं तेनू नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं सोडी, पोपटलाल को बेवकूफी करने दो, अब पोपटलाल की बेवकूफी उसे बचाएगी। आती भाई आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया प्लान है जिसे पोपटलाल बच सकता है, लेकिन एक धर्म संकट है। थैंक यू हाथी भाई, धर्म संकट का हम देख लेंगे, आप पहले प्लान बताइए। हाँ क्या प्लान है हाथी भाई? देखिए शादी को लेके पोपट बावरा होकर जरा सी बेवकूफी तो करता ही है, अब पोपटलाल को पूरी बेवकूफी करनी है। मतलब जब पहलवान पोपटलाल को यहाँ सबक सिखाने आएंगे तो पोपटलाल को पूरा बेवकूफ होने की एक्टिंग करनी है। वाह। और हम लोग कहेंगे कि पोपटलाल का थोड़ा स्क्रू ढीला है, हमेशा ऐसे ही अजीबोगरीब हरकत करता रहता है। हाँ सच में ही करता है। पोपटलाल की बेवकूफी देखकर उसे पागल समझ के 100% वो लोग वापस चले जाएंगे। हाँ ये हो सकता है, लेकिन हाथीड़ा तेरे इस प्लान में एक प्रॉब्लम है। इसमें हम सबको झूठ बोलना पड़ेगा, वो जरा खटक रहा है। यही तो धर्म संकट है चाचा जी। नहीं नहीं, और एक शिक्षक होकर मैं भी झूठ नहीं बोल सकता। राइट, मुझे भी है पत्रकार होने के नाते। लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि किसी की भलाई के लिए झूठ बोलते हैं तो पाप नहीं लगता। सही बात है। फिलहाल मुझे भी लगता है कि पोपट भाई को बचाने के लिए हमें इतना सा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा तो हम लोग उनसे माफी मांग के सच बता देंगे। हाँ पक्का पक्का। हाँ गुड आइडिया चाचा जी, तो अब हम लोग नाटक कर सकते हैं ना कि पोपटलाल का स्क्रू थोड़ा ढीला है। हाँ वाह वाह हाथी भाई, आपके आइडिया को मान गए। एक बार वो लोग मान गए ना कि पोपटलाल का स्क्रू ढीला है तो मुझसे शांति से बात करें। पोपटलाल एकदम अच्छे से एक्टिंग करना, वो लोग आए तो उनको लगना चाहिए कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने कॉलेज में 3-4 बार ऐसी एक्टिंग की है, मुझे तो बेस्ट गन चक्कर का अवार्ड भी मिला है। हाँ मिलेगा ही ना तुम्हें अवार्ड, नेचुरली तो करना था। क्या 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 बोला भिड़े? नहीं नहीं, मतलब तुम नेचुरल एक्टर हो असल। और हम सबको भी याद रखना है कि पोपटलाल का स्क्रू बरसों से ढीला है और हम उसके पागलपन से यूज्ड टू हैं। ओहो एकदम, अरे वाह बहुत मजा आएगा। भिड़े भाई मैं भी इस नाटक का हिस्सा बने तो चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। हाथी भाई आप ये बताइए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। हाँ हाँ बताता हूँ, और आप सब भी सुनिए ध्यान से। वो जब आए समझ गए? हाथी भाई अप्रतिम प्लान है। वो आने दो उन सबको। चलो चलो अभी सब लोग इधर उधर हो जाओ, वो लोग कभी भी आते ही होंगे। ताकि गोकुलधाम में सब वैसे नॉर्मल लगे। सिवाय तुम्हारे पोपटला तुम नॉर्मल नहीं हो। हाँ। एक मिनट, उन्होंने भेड़े भाई को सिर्फ डराने के लिए फोन किया तो वो लोग आए नहीं तो। पहली बार तूने सही बात बोली अब्दुल। ये तो और अच्छी बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, किसी को एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ेगी। चश्मा दे। अरे कांच क्यों तोड़ दिया? रोशन वो अब लगेगा परफेक्ट घन चक्कर। अरे थैंक यू थैंक यू। वाह 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 क्या आइडिया है।
ए? अरे हाथी भाई अकेले उधर क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, वो इनको इधर बुला पड़ा। अरे नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ऐसे आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जाओ उधर, तुम जाओ। ये हम लोग उधर चलेंगे। चलो 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 चलो। हाथी भाई, ये चक्कर क्या 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 क्या, तुम पेपर क्या पढ़ते हो? घंटे का पेपर नहीं पढ़ते? जाओ किधर, मैं वहां छिपता हूँ। गॉड, इन पहलवानों को तो देखो। बाप रे। ये अरे व्यायाम करत करत मारतोय रे हा। अरे आळू। फोन करेगा? फोन करेगा तू? फोन करेगा? शादी करेगा? आज तो तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। पहलवान क्या, पूरी फैमिली देखो एकदम भारी लग रही है। से कावेरी का पति कौन सा है? क्या फर्क पड़ता है, मार तो पड़ने वाली है, दोनों एक जैसे। तैयार हो जाओ पोपटलाल, तुम्हें कुमारी ही शहीद होना पड़ेगा। सुनिए भाई साहब, इसका भिड़े कौन है? ये तो मेरे ही बारे में पूछ रहे हैं। मिस्टर भिड़े कौन है और कहाँ रहते हैं? अरे मिस्टर भिड़े कहाँ रहते हैं? बहरे हो क्या? वो सुनने की मशीन घर पे रह गई है। वाह 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 वाह, शाबाश अब्दुल, शाबाश। लेकर आता हूँ। ये तो हम लोग की तरफ ही आ रहे हैं। हाथी भाई तुझे डरो मत, और चोरी के होते कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। भाई साहब। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते। मिस्टर भिड़े कौन जी? आप कौन? मैं कुंदन पहलवान, ये मेरे साले साहब कालू, मेरी बहन कुसुम, और ये मेरी पत्नी कावेरी पहलवान। हमारा खानदानी पेशा ही पहलवानी का है, हम लोग पहलवान के नाम से जाने जाते हैं। आइए आइए, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी। अच्छा मिस्टर भिड़े कहाँ मिलेंगे? ओ पिड़ो, पिड़ू नहीं, मिस्टर भिड़े। जो आपके लिए मिस्टर पिड़े है वो हमारा यार पिड़ू है। वो देखिए वो रहा। ओ पिड़ो, ओ तुझसे कोई गेस्ट मिलने आया है, आजा आजा। ओ पिड़ो, ओ शर्माया जा रहा है, ओ आजा आजा। हाँ, परवाह का सूर्य।
कुछ नहीं होगा, डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। रोशन भाभी, सोनी भाई क्या कर रहे हैं ये? सॉरी मम्मी भाभी। ओ मेहमान आया भाई। इन लोगों ने इनको कुछ किया ना तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। नमस्ते। आप फोन पर, आपकी आवाज सुनकर ऐसे नहीं लगा कि आप इतने बुजुर्ग हैं। ओ ना जी ना, ये तो हमारे चाचा जी हैं। ओ मिस्टर पीड़े तो इनके पीछे हैं। ओ पीड़ो, तू फिर से शर्मा रहा है। ओ आजा आजा। शर्मा कौन रहा है सोड़ी? वाह, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मिस्टर भिड़े, मेरी पत्नी कावेरी ने आपको फोन किया था और फोन पर पोपटलाल ने उनसे बात की। हाँ, वो थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, सॉरी। हाँ नहीं नहीं, सॉरी नहीं भिड़े जी, ये बताइए कि पोपटलाल कहाँ है? बताइए पोपटलाल कहाँ है? लालम सिंह, अभी नहीं। ठीक है, देखिए भाई साहब, हम लोग आराम से बैठ के भी बात कर सकते हैं, आइए ना। आप लोग हमारे गोकुल धाम में आए हैं, आप लोग हमारे मेहमान हैं। हाँ जी, ओए एकदम आप हमारे मेहमान हो जी। ओ माय ब्यूटीफुल भाई रोशन डार्लिंग, बहुत बढ़िया लस्सी बना दिया जी। और रोशन डार्लिंग, और सबके लिए 5-5 ग्लास लस्सी बना यार। हाँ, आप भी बनाती हूँ। नहीं नहीं, हमें कुछ खाना पीना नहीं है, हमें सिर्फ पोपटलाल से मिलना है। आप सिर्फ ये बताइए कि पोपटलाल का घर कहाँ है? ओरा। ए रुक, इधर आ। ये तो सुनाई नहीं देता ना। कुंदन जी, दरअसल बात ये कि इसे ना दूर का सुनाई देता है, नजदीक का सुनाई नहीं देता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पता था एक कान, वो एक नई बीमारी आई है। आजकल कितने प्रकार के रोग निकले हैं सर। वेरी सर। आपको कैसे पता? अरे भाई, मैं एक डॉक्टर हूँ। हमारे यहाँ के बड़े फेमस डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर हंसराज हाथी। जाओ जाओ, अपने कान की मशीन लेके आओ। मीज बोलो ना। अपनी मशीन भूले ना घर पे। कान की मशीन लेके आया। वैसे एक बात देखिए, वो लोग लड़ने के बदले एकदम शांति से बात कर रहे हैं। एक्चुअली शांति से बात तो करेंगे ही ना, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने अग्रेसिवली बात की तो हम लोग पोपट भाई को सामने ही नहीं आने देंगे। शांति से बात कर रहे हैं ताकि पोपटलाल भाई उनके सामने आ जाए। करेक्ट। और जैसे ही पोपट भाई सामने आ जाएंगे तो फिर पोपट भाई और भीड़े भाई गए। टेंशन मत लो, मारो रोशन छे ना, वो पोपट भाई और भीड़े भाई को कुछ नहीं होने देगा। डोंट वरी, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और हमारे पास ये सब तो है ना, यार है, चिंता मत कीजिए। तो चले मिस्टर भीड़े। ओके, चलिए। नहीं, पोपटलाल के घर चलिए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, लेकिन पोपटलाल के घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो घर पर है ही नहीं, तो जाके क्या फायदा? सही बात है। क्या मतलब है? मिस्टर भिड़े, मैंने आपसे फोन पर कहा था ना कि पोपटलाल को रोके रखना। लालम सिंह, अभी नहीं। जी, अभी रहने दो, ऐसा बोला मतलब पोपट भाई आएंगे उसके बाद ये लोग हमला करेंगे, समझे? एम्बुलेंस बुला के रखो। सुनीता, काय बोलती है तू? सुनीता तो हमारे पक्ष में क्यों, उनके पक्ष में? ज्यादा टेंशन मत बढ़ा बाबा। हाँ तो मिस्टर भिड़े, आपने पोपटलाल को रोका नहीं? रोकने की जरूरत ही नहीं है, पोपटलाल इधर ही है। कहाँ है, कहाँ है पोपटलाल? कुसुम, रिलैक्स, रिलैक्स। सॉरी भाभी। इधर कहाँ है पोपटलाल? ओके, हमारा पोपू यानी आपका पोपटलाल पूरा। सॉरी भाई, क्या कर रहे हैं? इसे बहुत उत्साह है सबको जमा करने का।
ओ पप्पू, ओ इतना यार। आया सोड़ी अंकल। ये तो लग रहा है घनचक्कर। अच्छा है ना। नमस्कार, हमारी हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। हमारा हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार है। आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, मोबाइल का उपयोग ना करें। हमारी उड़ान पेपर स्टैंड से शुरू होकर सोसाइटी कंपाउंड में होते हुए मेहता साहब के घर तक जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, आज गोकुलधाम हवाई अड्डे पर 100 करोड़ के प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। अंकल, आपने मेरे 100 करोड़ का प्लेन तोड़ दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मेरे से। अभी मुझे 100 करोड़ दीजिए। 100 करोड़? सोडी, बेचारे को 10 रुपए दे दे और बोल दे 100 करोड़ है, मान जाएगा। दिन में ऐसे करोड़ों बजे रुपए लेके जाता है हमसे। ए पुत्र, ए ए तेरे 100 करोड़ रुपए अभी देता हूँ यार। ऐ तेरा 100 करोड़ रुपए मिल गया। ये पोपट भाई कुछ ज्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रहे? मुझे लग रहा है कि टेंशन में है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। और एक्टिंग वर्ड भी सटल लग रहे हैं। कप्तान ने 100 करोड़ की वसूली कर ली है, अब प्लेन को रिपेयर किया जाएगा। मैकेनिक मित्र, पोपटलाल घनचक्कर बनने का ड्रामा तो कर रहे हैं, लेकिन ये घनचक्कर का चक्कर कब तक चलेगा? क्योंकि पोपटलाल कोई अभिनेता तो है नहीं, लेकिन इस संकट की घड़ी ने एक पत्रकार को कलाकार बनाया। लेकिन मित्रों, झूठ की कहानी कागज की नाव की तरह होती है, जिसकी नियति डूबना ही होती है। मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है, जेठालाल अय्यर आ गए और उनके सामने राज खुल गया तो, क्योंकि पोपटलाल कोई मंझे हुए कलाकार तो है नहीं, और ये जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये राज खुल सकता है। और अगर ये स्क्रू ढीला होने की कहानी इस फैमिली के सामने आ गई, जिस फैमिली में पहलवान है, तो क्या होगा पोपटलाल का? पोपटलाल के तो पुर्जे ढीले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो भी होगा, आपके घरों में ठहाके लगते रहेंगे जब आप देखेंगे क्या करती है पहलवान फैमिली, क्या करते हैं पोपटलाल, क्या होता है पोपटलाल के साथ इस घनचक्र का अभिनय करते करते। और हाँ, एक विशेष बात, इस शनिवार की रात भी 8:30 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का विशेष एपिसोड। बिल्कुल ठीक सुना आपने, शनिवार यानी कल रात 8:30 बजे। दिवाली के सीजन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी तरफ से बोनस एपिसोड लीजिए शनिवार की रात 8:30 बजे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचिए क्या होगा पोपटलाल का, ये पहलवान क्या करेंगे। क्या? तुझे तो दूर का सुनाई देता है ना, तो रुका क्यों नहीं? बात है वो बात। अरे कुंदन जी, अरे पागलों की बात कौन सुनता है? हाँ, इसलिए नहीं रुका वो। और तुम भाई ने अभी तक कान का मशीन नहीं लगाया, जाओ लगा के आओ। ये सब क्या नाटक है? नहीं नाटक नहीं है कावेरी जी, बिचारे की बदकिस्मती है ये। हाँ हाँ बिन, हम बराबर कह रहे हैं। बिचारे पोपट भाई, क्या बताऊँ, जब से बिचारे पोपट भाई की पत्नी उनको छोड़कर चली गई है। पत्नी? तब से उनकी उनके दिमाग पर काफी गहरा सदमा पहुंचा है। हाँ हाँ। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, हमारे पोपट भाई कभी पायलट, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी स्टूडेंट। क्या है ना, जिस वक्त जिस बात की चर्चा होती ना, वो उस वक्त वही बन जाते हैं। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक प्लेन गुजरा था ना, तो प्लेन बनाकर पायलट बन गए।
सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। ओ बहन जी, आप मेरी सब्जी के ठेले के पास क्या कर रही है? हटिए हटिए, हट जाइए हट जाइए, सब्जी ले लो सब्जी। हरी हरी ताजी ताजी लाल लाल सब्जी, बहन जी भाई साहब सब्जी ले लो। अरे लो लो लो, अरे बहुत सस्ती है, लाख रुपए किलो टमाटर, लाख रुपए किलो में कहीं नहीं मिलेगी। अरे सब्जी ले लो सब्जी। चोयू चोयू, बेचारे पोपट भाई अभी सब्जी का नाम लिया तो सब्जी वाले बन गए। अरे भिड़े, अरे भिड़े सब्जी ले लो सब्जी। अरे हाथी भाई, हाथी भाई सब्जी ले लो। बेचारे पोपट भाई की खमन ढोकला जैसी स्वादिष्ट जिंदगी थी, लेकिन अब गीले पापड़ जैसी बेस्वाद जिंदगी हो गई है। सब्जी ले लो। चलो चलो चलो, लग जाएगा, ब्रेक 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 ब्रेक। क्या यार मेरे हाथ में लग जाएगा, ले लीजिए। सिर्फ लाख रुपए किलो है। लाख रुपए किलो टमाटर? लाख रुपए मतलब 50 रुपए? कमाल है, 100 करोड़ के 10 रुपए और लाख के 50, ये कौन सा हिसाब है? आपका अगर स्क्रू ढीला होता तो आप भी यही हिसाब समझते। क्या बोला? मेरा मतलब है उसका स्क्रू ढीला है ना। सही बात है भाई, जिसका स्क्रू ही ढीला है उसका हिसाब तो उसके हिसाब से ही होता है। हाँ। जी आप ले लीजिए बैंगन टमाटर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लीजिए लीजिए लीजिए, आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। लीजिए ना लीजिए, आप भी लीजिए। सब्जी आप लेंगे भाई? आपको अच्छा लगता है बैंगन? अच्छा लगता है? कोई बात नहीं, सब्जी ले लो सब्जी। कोई मेरी सब्जी नहीं ले रहा, कोई तुझे नहीं ले रहा। सारी सब्जी ना गणतरी करके दे देंगे, चुप हो जाऊंगी। एक मिनट तो गड़बड़ है भिड़े जी। जब पोपटलाल ने मुझसे फोन पर ये शादी कुंवारी ये सब बात की थी, तब तक उनका बातों का टोन एकदम नॉर्मल था। हाँ नॉर्मल था। तो फिर अचानक क्या हो गया? इसका जवाब डॉक्टर हाथी देंगे। जवाब ले डॉक्टर हाथी। इसका जवाब मैं देता हूँ। तो सुनिए, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। अब इसका जवाब मैं क्या दूँ? जवाब तो आपके सामने है। पहले ये पायलट बने, फिर ये रिपोर्टर बने, फिर ये मैकेनिक बने, अब सब्जी वाले बन गए। स्क्रू ढीला है बेचारा, क्या करें, सब गड़बड़ी है इसका हिसाब। हाँ। गोभी टमाटर पहले खाओ गाजर, बैंगन और ककड़ी आपस में लड़ ली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जिस वक्त जिस बात की चर्चा होती है वो उस वक्त वही बन जाते। अपने कैरेक्टर को ऐसे निभाते जैसे कि असलियत में वो खुद हो। सही बात है। हाँ कॉलेज में बेस्ट घनचक्कर का अवार्ड जीत चुके हैं ये। हाँ और आपने जब ये आत्माराम भिंडी मास्टर के फोन पे बात की तभी आपने कावेरी कहा, लेकिन इसे कुंवारी सुनाई दिया। हाँ, तभी पोपट भाई ने अपने आप को कुंवारा समझा और आपको कुंवारी। हाँ, और शादी की बात छेड़ दी। देखिए पोपट भाई ने उस वक्त आपके साथ जो भी बात की ना, उन्होंने अनजाने में की थी। उनका आपके साथ बदतमीजी करने का कोई भी इरादा नहीं था। ये बेचारा पोपट लाल रोज हमारे साथ कोई ना कोई उठपटांग हरकतें करते रहता है, लेकिन हम तो समझदार है ना, तो हम माफ कर देते हैं। हम पोपट भाई की बात बिल्कुल दिल पे नहीं लेते। वैसे आप भी उनकी बात दिल पे मत लीजिए प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, बैंगन और ककड़ी, लौकी और गोभी की जोड़ी बन गई है। दोनों जोड़े ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आप सभी बारातियों को, आलू जी, टमाटर जी, मिर्ची जी, आप सभी को शादी में आने का निमंत्रण है। होगी होगी होगी,
सबकी शादी होगी, कोई कुंवारा नहीं बचेगा। देखा क्या सोचकर आए थे और क्या सीन देखने मिला। वाह वाह, लगता है हाथी भाई का प्लान कामयाब हो गया। रब जी दुश्मन को भी कभी ऐसी सजा ना दे। दुश्मन, दुश्मन, आ दुश्मन रुक। सुने सुनाई दिया, गोकुलधाम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, मैं दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं। गोकुलधाम वासी और मेहमानों, सब साइड में आ जाओ, बमबारी हो रही है। दुश्मन नहीं हूँ मैं, अब्दुल अब्दुल बड़ा बम आ रहा है। दुश्मनों ने हार मान ली है, गोकुलधाम जीत गया, भारत माता की जय। ये पहलवान डरकर भाग क्यों नहीं रहा है? कुंदन जी, कावेरी जी, मेरी बात सुनिए, इससे पहले कि ये आपको दुश्मन समझे और आपके हमला करे, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। हाँ, इसके सर पे भूत सवार कुछ भी कर सकता है, जाइए जाइए। कर्नल, दुश्मन अभी भी डटा हुआ है, भाग नहीं रहा, हट जाइए। कुंदन जी छोड़ दीजिए ना पोपटलाल को। हाँ भाई साहब, प्लीज छोड़िए ना, मेरी पहचान में एक डॉक्टर है। पोपट भाई ना, हम सबके बहुत लाडले हैं, वो जैसे भी है हमें मंजूर है। आजे कबूल, आजे कबूल, कबूल। कालो, डॉक्टर निर्दय सिंह को फोन करो। डॉक्टर जी, जी जी जी। अरे क्या जी जी जा जी भाई, रुको रुको भाई, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो जी, छोड़ो उन्हें छोड़ो, अरे छोड़ना यार। अरे आपको दया भाभी ने बोला ना, वो ये हम सबको बहुत प्यारा है, बहुत लाडला है जी, एनो प्लीज छोड़ दो इसको, हमने कहीं नहीं भेजना है। आ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे पर क्यों? वो क्या है ना कावेरी जी, हम लोग इससे पहले पोपटलाल का 3 बार इलाज करवा चुके हैं। हाँ, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मतलब दुश्मन 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 बोल के मारने की एक्टिंग कर रहा था। कल बेचारा पोपटलाल टेरेस पे खड़े होके चिल्ला रहा था, मुझे गंजी जंपिंग करनी है, गंजी जंपिंग करनी है। गंजी जंपिंग? गंजी नहीं, बंजी जंपिंग होता है। नहीं नहीं भाई साहब, वो क्या है ना कि गंजी पहन के टेरेस के ऊपर खड़ा हो गया था और बोल रहा था कि मुझे जंप करना है, इसलिए गंजी जंपिंग। फिर समझाया तो मान गया बेचारा, नीचे उतर गया। और ये हिंसक गंजक्कर नहीं है, ये हमारा बड़ा प्यारा सोना सोना गंजक्कर है जी। वो प्लीज आप इनको छोड़ दीजिए ना, पोपट भाई अभी डर रहे हैं, है ना पोपट भाई? अब डर रहे हैं, बहुत डर रहा हूँ, बहुत डर रहा हूँ, बहुत डर रहा हूँ। ये अंकल बहुत बुरे हैं, जालिम है। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें नहीं। देखो बेटा, ये आत्माराम भिड़े के फोन पे पोपटलाल ने जो कावेरी जी के साथ बदतमीजी की है, उसके लिए पोपटलाल की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हम लोग भी। वो कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ। क्या 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 क्या? हाँ हो। सरल भाषा बोला ना। हाँ मतलब वही सीधी भाषा में माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ। नहीं नहीं चाचा जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। तभी तो मैंने पोपटलाल को गुस्से में डांट दिया था, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो कुछ हुआ वो सब गलतफहमी की वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल। देखिए देखिए देखिए, कावेरी ने तो इन्हें पहले ही माफ कर दिया था और हम सब ने भी। हाँ? स-
सच पूछिए तो हमें इनसे कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि इनके लिए तो अब हमें हमदर्दी है। आप लोग जब से यहाँ आए तब से गुस्से में क्यों? देखिए भाई साहब, मैं और जीजा जी सात सात घंटे कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं, अब हमारी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी हो गई है। अच्छा, अच्छा। हो जाना। कावेरी जी, आपने अगर पोपट बहू जी को पहले ही माफ कर दिया था तो फिर यहाँ? हाँ मैं समझ गया माधवी, अरे ये लोग यहाँ पर आचार पापड़ खरीदने आए हैं ना। नहीं नहीं, तो आपका यहाँ आने का कारण समझ में नहीं आया कावेरी बहन? हाँ वो क्या है कि कुसुम इनकी छोटी बहन है, बरसों से हम उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं कुसुम की शादी का रिश्ता ही तय नहीं हो रहा है। और जब पोपटलाल ने फोन पर ये बताया कि ये कुंवारे हैं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार पोपटलाल को देख लेते हैं, इनसे मिल लेते हैं, और फिर सब ठीक लगा तो मेरी बहन कुसुम के रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मेरा रिश्ता तय हो गया, सोनी आखिर बार बहनों मेरी शादी तय हो गई, चाचा जी मेरा रिश्ता तय हो गया, पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि पोपटलाल की शादी तय हो गई। अरे चल 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 सोनी तैयार हो जा, अरे तुझे गाना गाना पड़ेगा। पर मेरी ना है, मैं आपको पसंद नहीं आया? अगर आप पागल ना होते तो शायद पसंद आ जाते। कुसुम ऐसे नहीं बोलते। सॉरी भैया। अरे मैं सच में पागल नहीं हूँ, मतलब ना मैं गनचक्कर हूँ ना मेरा स्क्रू ढीला है, मैं एकदम नॉर्मल हूँ। एकदम नॉर्मल है। अच्छा भैया चलो। रुके रुके कुमारी जी, मेरा मतलब है कावेरी जी, मैं सच में घनचक्कर नहीं हूँ ना ही मेरा स्क्रू ढीला है, दरअसल मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ पोपटलाल। ये देखिए ये मेरा आईका, देखिए आप सब देखिए। लगता है कुंवारे का रोल में घुस गया। अरे भाई मैं किसी रोल में घुसा नहीं हूँ, मैं सच में कुंवारा हूँ। भाई भिड़े चाचा जी दया भाभी, आप सब इनको समझाइए ना कि ये सिर्फ एक नाटक था। हाँ ये कब से नाटक ही कर रहे हैं भाई, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। कैसा नाटक? वो पोपटलाल को आपसे बचाने का। माफ करना, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें ये नाटक करना पड़ा कि पोपटलाल घन चक्कर। सही बात है जी। हाँ। हमसे बचाने के लिए नाटक करना पड़ा, मतलब बात ऐसी है से आप लोगों से पोपट भाई को बचाने के लिए हम सब लोगों ने पोपट भाई पागल है ऐसा नाटक किया। ओ अच्छा अच्छा ये बात है। और कुंदन जी आपने भी जब मुझे फोन किया तो आपने ये बोला ना कि पोपटलाल को रोक के रखना, हम लोग आ रहे हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि हम लोग उसको देखने आ रहे हैं आपकी बहन के लिए। अरे कहाँ से बोलता, कितनी बार तो बोलने की कोशिश की लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, नेटवर्क वीक होने की वजह से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए हमने सोचा कि हम गोकुल धाम में आकर आमने सामने ही बात कर लेते हैं। या और इधर आकर देखा कि जिन्हें देखने आए हैं वो तो ऐसे पागल हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं समझदार जागरूक पत्रकार हूँ और मैं कुसुम जी को बहुत खुश रखूंगा। क्यों सच में ये दिल का बहुत अच्छा है। नहीं इसका खुद का अपना घर है जी, दो बेडरूम हॉल किचन विद बालकनी है। और ये हमारी तरफ से रिश्ता पक्का जी। अभी आपकी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का ही कर दीजिए आप। तो कहिए आपका क्या जवाब है? जी नहीं, हमारी तरफ से ना है। तुम्हें मजाक कर रही हो ना? नहीं भाभी सच कह रही है, हमारी तरफ से ना है। देखिए ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। आपने जो देखा वो सच नहीं है, ये सच है। और देखिए ना आप यहाँ तक आए हैं ना, एक बार पोपट भाई का घर देख लीजिए। हाँ, उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। हाँ, हाँ। कल या परसों सोच के आराम से
जवाब दीजिए। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। सही बात है, एक बात बोलूं, आपको पोपटलाल जैसा लड़का नहीं मिलेगा। पोपटलाल का रिश्ता दुनिया का आखिरी रिश्ता हो तो भी ना है। मुझे पोपटलाल से शादी नहीं करनी। लीजिए, लड़की ने पोपटलाल से शादी करने से इनकार कर दिया, ना बोल दिया, और पोपटलाल का चेहरा पपीते की तरह पीला हो गया। पोपटलाल भी भाई, शादी नहीं हुई तो शादी करने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन करे क्या, बेचारे की किस्मत ही ऐसी है। पहले तो कावेरी को कुंवारी समझ के फंस गया, फिर सच में रिश्ता आया तो झूठ बोल के फंस गया। ये पोपटलाल भी पता नहीं क्या है इसकी किस्मत में, इसकी किस्मत में शादी नाम का सितारा चमक ही नहीं रहा। शादी और पोपटलाल बिल्कुल उत्तर और दक्षिण हो गए, मेल ही नहीं हो रहा। लेकिन अब क्या होगा, आपको क्या लगता है, लड़की के मना करने के बावजूद भी पोपटलाल शांत रहेगा या शादी करने के लिए लड़की को मनाने के लिए कुछ ना कुछ हंगामा जरूर करेगा? क्योंकि पोपटलाल उस तरह का आदमी है जो क्लीन बॉल हो जाने के बाद भी नो बॉल की गुंजाइश जरूर ढूंढता है। तो देखते हैं क्या करते हैं पोपटलाल, नया हंगामा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अभी तो आपने कहा था कि अगर मैं घनचक्कर नहीं होता तो शायद आप मुझसे शादी कर लेती, तो फिर आप क्यों मना कर रही है, वजह क्या है इनकार की? आप लोगों का झूठ। हमें सब कुछ मंजूर है लेकिन झूठ मंजूर नहीं है। और यहाँ झूठ सिर्फ पोपटलाल ने नहीं बोला है बल्कि पूरी सोसाइटी ने, आप सबने बोला है। कुंदन जी, माना कि हम सब ने झूठ बोला, लेकिन हमने झूठ पोपटलाल को बचाने के लिए बोला था। हाँ। और चलो माना झूठ आखिर में झूठ होता है, लेकिन किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते है ना तो भगवान भी माफ कर देते हैं। सभी अपने आप को बचाने के लिए ही झूठ बोलते हैं। पर हम आपको बाद में सच बताने ही वाले थे। हो सकता है कि आप सच्चे हो और बाद में सच बताने वाले हो, लेकिन हमारे लिए झूठ झूठ है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। चलो इसे कहते हैं मुंह तक आया नहीं वाला हाथ से चला गया। लगता है बेचारे पोपट भाई का भाग्य उनके साथ खेल खेल रहा है, नहीं तो आज ये रिश्ता पक्का ही हो जाता। फाइनली पोपटलाल भाई की शादी हो जाती। अगर ये शादी तय हो जाती तो आज गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल भाई की शादी की शहनाइयां बजती। पर अपना पोपो है कितना? अरे भाई, अरे पोपट भाई, मत बुलाओ उसे, उसका दिल टूट गया है सोड़ी, वो अपने बीच थोड़ी रोएगा, वो बेचारा घर गया होगा, रो रहा होगा। ये लोग वापस क्यों आ रहे? हो सकता है कि उन लोगों का मन बदल गया हो, लड़की ने हाँ कह दी हो। पत्रकार, देखिए मैं समाज का प्रतिष्ठित नागरिक हूँ। आप समझ के बात का समझ, अरे 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 आप सुनिए मेरी बात को तो सुनिए आप। अरे मुझे सच में गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिला है, अब सुनिए मेरी बात को सुनिए। अरे अरे अपना खुद का फ्लैट है 2 BHK, एक मीटिंग कर लेते हैं। अरे आप समझाइए इनको, अरे सुनिए, हाँ सुनिए, आप मेरा घर देख लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, अरे अरे मीटिंग, अरे एक बार मीटिंग कर लीजिए। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, तो होने तुम
मत रोइए ना फ्लैश। अरे पप्पू तू ठीक है ना? अरे हौसला रख, सब चंगा हो जाएगा। पप्पू, अरे चाची जी। पोपटलाल चले दो भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ। उन्हीं को कौन टाल सकता है? परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोग किसे दोष दे? तुझे। इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरा दोष है। तेरा? तेरी वजह से आज मेरी शादी नहीं हुई। पोपटलाल जी, ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ। मेरे साथ भाग्य ने नहीं, भेड़ा ने खेल खेला। मैंने? हाँ, तूने। कावेरी जी और उसका परिवार कुसुम के लिए मुझे देखने आ रहे थे, लेकिन तूने बिना सोचे समझे क्या कहा, मुझसे लड़ने आ रहे। हम सभी ने तेरी बात मान ली और मुझे पागल होने का नाटक करना पड़ा। और जो रिश्ता सामने से चलकर मेरे लिए आया था, वो तेरी वजह से कैंसिल हो गया, सिर्फ तेरी वजह से। ए डिब्बे, ये क्या बोल रहा है तू? होश में तो है तू? ये रिश्ता टूटने के गम में सच में घन चक्कर हो गए? नहीं नहीं चाचा जी, पोपटलाल बिल्कुल सच कह रहा है। घन चक्कर ये नहीं, मैं हूं। मैंने बेवकूफी की। मैंने मान लिया कि वो लोग पोपटलाल से झगड़ा करने आ रहे हैं। पोपटलाल तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। हमारे साथ भाग्य ने नहीं, मैंने खेल खेला। जो मुसीबत में साथ देता है उसे दोस्त कहते हैं, लेकिन पोपटलाल तुम्हारे लिए तुम्हारा ये दोस्त ही मुसीबत बन गया। सच में मैं तुम्हारा दोस्त कहलाने के लायक नहीं। अब जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं मेरी गलती की दिल से तुझसे माफी मांगता हूँ। तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज भिड़े मास्टर, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अरे पोपटलाल तो उसका रिश्ता नहीं हो पाया इसलिए सदमे में है। तुम ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बिन्नी मास्टर, तूने कोई बेवकूफी नहीं की है और ना ही तूने कोई गलती की है। इस डिब्बे ने उस कावेरी से जिस तरह से फोन पे बात की और उसके बाद उसके पति का फोन आया और उसने कहा कि पोपटलाल को रोक के रखना, हम लोग वहाँ आ रहे, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करने आ रहे हैं। सही बात है। पप्पू मैंने एक गल दस, फोन अगर पिड़ू की जगह तेरे को आया होता तो तू क्या समझता यार? पोपट भाई बुरा मत लगाना, लेकिन खरे खर तो आपको भीड़े भाई का आभार मानना चाहिए। उन्होंने आपके साथ दोस्ती निभाने के लिए पूरे गोकुलधाम वासियों को यहाँ इकट्ठा किया, आपके बारे में बताया ताकि कोई रास्ता निकले। बराबर। आपको बचाने के लिए वो शिक्षक है, फिर भी उन्होंने झूठ बोला। और बापूजी जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, उन्होंने झूठ बोला और हमारा पूरा गोकुलधाम एक झूठे नाटक में शामिल हुआ। किसके लिए पोपट भाई? आपके भले के लिए ना? हाँ पोपट भाई, अगर भेड़े भाई चाहते तो आपको ये कह सकते थे कि कावेरी का पति यहाँ पे सबके साथ आ रहा है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा ना। और अगर भेड़े भाई चाहते तो वो आराम से इस मामले से निकल सकते थे। और पोपट भाई, वो भेड़े भाई से फल छीनकर आपने कावेरी बहन से बात की थी ना, अभी आप बताया इसमें बेचारे भेड़े भाई की क्या गलती? हाँ बराबर। पोपट भाई आपको भिड़े भाई का आभार मानना चाहिए, उसकी बजाय आप उनको ताने दे रहे हैं। आप ही बताइए क्या ये सही है? ये तो भिड़े भाई की अच्छाई है कि वो आपसे माफी भी मांग रहे हैं और आप अपने दोस्त को शाबाशी देने के बदले उनको कड़वे बोल बोल रहे हैं। ये सही बात नहीं है पोपटलाल। सॉरी भिड़े, मैं सच में पागल हूँ। शादी की बात आते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो अपनी जगह बिल्कुल सच्चा है,
हमने तेरी दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ निभाई दोस्त। मैं ही समझ नहीं पाया और तुझे कड़वे बोल बोल दी। मुझे माफ कर दे भाई। अगलेर, दोस्ती में गलती करने पर माफी नहीं होती। ओ सीधे थप्पड़ होते हैं। तो थोड़ी दे दू। ओ दे दे यार। अरे थप्पड़ खाने को तैयार हूँ। अरे सोड़ी, अपना गोकुल नाम कमाल नहीं, पानी जैसा है। पानी पे लकड़ी मारो तो वो एक पल के लिए ही जुड़ा होता है, लेकिन बाद में तो फिर एक हो ही जाता है। सही बात है। जैसे पानी कभी जुदा नहीं होता, वैसे गोकुल धाम वाले भी कभी जुदा नहीं होते। सही बात है। हम सब एक है। अरे माधवी भाभी, लगता है आपने अभी भी मुझे माफ नहीं किया। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांगता हूँ। प्लीज अब दुखी मत होइए। पोपट भौजी, अब सॉरी मत कहिए। और मैं आपकी वजह से नहीं, आपके लिए दुखी हूँ। मतलब वजह कुछ भी हो, लेकिन आपकी शादी तय होते होते रह गई। सामने से रिश्ता आया था, अगर ये हो जाता तो कितना अच्छा होता। अरे माधवी भाभी, आप भी कमाल है। मैं मेरे साथ ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है, पहले भी कई बार हो चुका है। रिश्ते आए, जुड़े और फिर टूट गए। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। ये पल तो पल का दुख होता है तो फिर मैं भूल जाता हूँ। देखिए भूल गया। वो किनारे पे आके डूबना, ये तो अपने पप्पू के लिए आम हो गया। भाई सही बात है, पोपटलाल के लिए तो रिश्ते पेशेंट की तरह है, एक गया और दूसरा आया। लेकिन आती भाई, अब कोई फिक्स पेशेंट मिल जाए तो अच्छा है। सही बात है। अरे मिलेगा, जल्दी मिलेगा। वैसे पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है कि आपके जीवन में कोई इच्छा जल्दी से पूरी नहीं होती ना, तो उसका मतलब समझना कि भगवान आपकी वो इच्छा बहुत ही अच्छी तरह से पूरी करना चाहते हैं। हाँ, तबरे का फल मीठा होता है। हाँ। तो आपको बहुत ही प्यारी, गुणवान और सुंदर पत्नी मिलेगी ही। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन दया भाभी, अब तो मुझे कम प्यारी, कम गुणवान, कम सुंदर मिलेगी तो भी चलेगा, बस मिल जाए। अरे देवा, आज का दिन टेंशन भरा रहा। ये पोपटलाल का टेंशन खत्म होता नहीं कि दूसरा टेंशन है ही, दिवाली। दिवाली में घर की साफ सफाई, सोसाइटी की साफ सफाई, ये एक में सेक्रेटरी कहाँ कहाँ देखेगा। टेंशन टेंशन टेंशन। इतना टेंशन मत लीजिए, बच्चे कुछ बाल भी झड़ जाएंगे वरना आपके। आदमी टेंशन कैसे ना लूं, सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ मैं। सोसाइटी के इतने सारे काम बाकी है, टेंशन तो होगा ही ना। आपको काम का टेंशन है और मुझे आपके बालों का। मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ी हो आज? क्या हुआ, दो दिन से मुझे सपना आ रहा है कि आपके ऐसे लंबे घने बाल हैं, जैसे सगाई के वक्त थे। क्या लगते थे आप, ऐसा ऐसा करके मुझे देखते थे आप, याद है? हाँ माधवी, बिल्कुल याद है। लेकिन वो हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, अभी आज के जमाने में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? एक मिनट। क्या कर रही हो माधवी? थम्बा एक मिनट। क्या ये? मुझे भी दिख रहा है विग है, लेकिन विग क्यों लाई हो? आपके लिए। मैं आपको ऐसे लंबे घने बालों में देखना चाहती हूँ। माधवी, मैं विग भी नहीं पहनने वाला। एक बार पहनिए ना, अगर आपको अच्छा लगा, सूट हुआ ना, तो आप दिवाली में पहनिए। ये होशियार, लोग दिवाली में नए कपड़े पहनते हैं, नए बाल नहीं। अच्छा ठीक है, आपका कुछ अलग है? पहनिए ना, एक बार पहनिए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आपको मैं कितने सालों बाद देखूंगी लंबे। बस अभी चेहरे पे पहना हूँ, कैसे उधर मुँह कीजिए ना। लेकिन क्या ये जिद? आइकन आइकन मस्त वाली। हाँ, क्या दिख रहे हैं आप, क्या दिख रहे हैं, मस्त।
ये अच्छा दिख रहा हूँ मैं? हाँ वो इतनी हैंडसम मस्त लग रहे हैं आप। एक बार ऐसा कीजिए ना। कैसे? वो ऐसे ऐसे पहले करते थे जब बाल लंबे थे आपके तभी। निकलना ना तो। नहीं नहीं निकलेगा, आप रखिए ना उसको, कितना अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा संभाल के कीजिए ना, ओरिजिनल बाल थोड़ी है। ओके ठीक है ओके। अरे पहनिए ना, सोनू को भी दिखा सकते हैं। मुझे नहीं पहनना, एक बार पहन लिया ना मैंने, बहुत हो गया बस। मुझे कुछ नहीं सुनना है माधवी, एक बार फिर से पहन लीजिए ना बस मेरे लिए। माधवी तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना मुझे लंबे बालों में देखने का, तो अपने सगाई के या शादी के फोटो देख लो। एक बार पहन लीजिए ना, सोनू आएगी तो उसको भी देखने को मिलेंगे। विग वाले बाबा। विग वाले बाबा कैसा लग रहा है सुनने में? मतलब सोनू को भी आप लंबे बालों में कैसे दिखते हो, पहनिए ना प्लीज। हाँ तो उसे भी वो सगाई वाले फोटो दिखा देना। अब ये विग पुराण छोड़ो, अभी मुझे बताओ कि सोनू कहाँ है, कब से दिखी नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। लेकिन मुझे पता है। क्या? तो पूछा क्यों? अरे मेरा मतलब है कि वो जरूर टप्पू सेना के साथ घूमने गई होगी। ये टप्पू सेना भी ना जैसे जैसे बड़ी हो गई है ना वैसे वैसे ज्यादा शरारती हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम उनकी साइड बदलो। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। और आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, यही गई होगी, आ जाएगी। अरे लेकिन सोनू गई कहाँ है? बाबा मैं यहाँ हूँ। हिबो क्या हुआ, कुछ काम था? अगर कहीं नहीं, तू कब से दिखी नहीं ना, तो बाबा चिंता कर रहे थे। सोनू तुम कहाँ गई थी? बाबा एक्चुअली मैं कुछ काम से बाहर गई थी। काम से बाहर गई थी या टप्पू सेना के साथ घूमने गई थी? ये टप्पू सेना तो पूरा वेकेशन घूम फिर के अपना वेकेशन बर्बाद कर ही रही है, साथ में तुम भी कर रही हो। लेकिन बाबा मैं टप्पू सेना के साथ नहीं गई थी, मैं तो अकेले गई थी। क्या ऐकला, टप्पू सेना के साथ वो नहीं गई थी? सवाल ही पता नहीं होता माधवी। अगर वो अकेली जाती है ना कभी भी, तो हमें बता के जाती है। अगर हमें बता के नहीं गई, इसका मतलब वो टप्पू सेना के साथ ही गई है। टप्पू हमारी उम्र 100 साल की होने वाली है। वीरांगल हमें को याद कर रहे थे, है ना वीरांगल? करेक्ट। वैसे वीरांगल आप हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे? सोनू तुम लोग के साथ थी ना? नहीं वीरांगल, सोनू हमारे साथ नहीं थी, हम लोग तो घर से आ रहे हैं। मैंने भी बाबा को वही बोला पर वो मान ही नहीं रहे। ओ अच्छा अच्छा, इसीलिए आप हमें याद कर रहे थे। जाने दीजिए ना। सोनू तू इनके साथ नहीं थी तो कहाँ थी? और ये क्या है? वो मैं शॉपिंग करने गई थी। वाह कितना खर्चा किया, क्या 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 लाया क्या? वो मैं आपको नहीं बता सकती। अरे सोनू क्यों? वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज कल ही पता चलेगा। अगो मुझे तो पता। सॉरी आई, वो मैं कल सुबह ही बताऊंगी। और बाबा देखना इस बार मैं अपने वेकेशन का पूरा सदुपयोग करके दिखाऊंगी। अच्छा मतलब कल सुबह ही तुम सरप्राइज बताओगी ना? अच्छा मान लो सुबह हो गई तो आप भी समझ लो कि सरप्राइज पता चल गई। इबो बिडंकल, सोनू आपको नहीं बताएगी, सोनू हमारी बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें बताएगी। और सोनू हमें बताएगी, वो हम आपको नहीं बताएंगे। चल सोनू बाहर जाके बता। हाँ चल। नहीं फ्रेंड्स। बिडंकल सोनू हमें यही बताना चाहती है, आप रूम में जाएंगे प्लीज? नहीं मैं तुम लोगों को भी नहीं बताऊंगी, ये तुम लोगों के लिए भी सरप्राइज है। अरे अच्छा चल सरप्राइज मत बता, पर बैडमिंटन खेलने तो चल। हाँ चल चल। नहीं सॉरी, एक्चुअली मुझे कल सुबह जल्दी उठ के सरप्राइज की तैयारी करनी है। गुड नाइट। गुड नाइट आई बाबा। अरे ये सोनू अगर वीडियो अंकल अभी आप ही चलो। कहाँ? हमारे साथ बैडमिंटन खेलने। आपके पास रैकेट है ना? मच्छर मारने वाली चलेगी? छोड़ छोड़ गोली, बीड़े अंकल हारने से डर गए। क्या बोला? माधवी वैसे क्या होगा सरप्राइज, सोनू ने टप्पू सेना को भी नहीं बताया। वो ना क्या पता क्या होगा सरप्राइज, क्या पता। हम लोगों ने तो कितनी बार पूछा लेकिन बता ही नहीं रही थी। कल सुबह की राह देखते और क्या। आयस पढ़ा कि आज का दिन खत्म होते तो भी टेंशन लेके गया, ये सरप्राइज क्या भी ये टेंशन है। टेंशन 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 भाई, अभी पोपटलाल की शादी के टेंशन से भिड़े बाहर आया ही था कि सोनू ने सरप्राइज का नया टेंशन दे दिया। इस नए टेंशन की वजह से भिड़े के सर के बच्चे को से बाल भी कहीं बाय बाय ना कह दे। अब क्या होगा ये सरप्राइज? वैसे सरप्राइज शब्द कितना रोचक है ना, इसमें है थोड़ा सा आनंद, थोड़ा राज, थोड़ी उत्सुकता और ढेर सारा मजा। लेकिन अब ये सरप्राइज क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। अपनी वेकेशन का सदुपयोग करने के लिए सोनू क्या सरप्राइज देने वाली है और इस सरप्राइज का भिड़े की जिंदगी पे क्या असर होगा भाई, ये अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये सरप्राइज आपको देगा ढेर सारा मजा और खूब सारी खुशी। पर हाँ वैसे आपके लिए एक छोटी सी बात है जो मैं बता देता हूँ, जैसे मैं सरप्राइज नहीं रखूंगा कि इस सरप्राइज में आप भी घर बैठे कुछ सीखेंगे।
क्या सीखेंगे ये सरप्राइज है। इसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक 8:30 बजे कल। देखते रहिए, हंसते रहिए और भूलिए मत ढेर सारा सरप्राइज। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.